साध संगत जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरुसवारी साध संगत जीओ, साड़ी आत्मा इस मात लोक दे उत्ते परमात्मा दा नाम सिमरन करके वापस परमात्मा कोल पहुंचन वास्ते सिमरन करन लई आई है। ये दुनिया जेड़ी है, संसार जेड़ा है, ये परमात्मा दे रस्ते दा अद विचाला है। असी पिछे चल के आए हैं, अनेक जूनियां भुगत के अगे फिर जाना है। और इस धरती दे उत्ते, ये धर्मसाल दे उत्ते, धर्मसाल दे विच रह के असी सच दे कर्म करदे होए, सच दी किरत करदे होए, नाम सिमरन करदे होए, अपने अवगुणा दा निपटारा करदे होए, गुणा दी भरपूरी करदे होए, अपने मन नूं निर्मल करके वाहिगुरु नाम सिमरन द्वारा परमात्मा दी जोत नाल साडी रूह ने, साडी जोत ने मिलन करना है। ये है साडे जीवन का असल मकसद। परमात्मा ने सानू इस संसार दे विच इसे वास्ते कल्लिया है कि हे प्राणी, तू संसार दे विच जाके, धर्मसाल दे विच जाके मेरा नाम सिमरन कर। और जदों तू मेरा नाम सिमरन करेगा, तू मैनू अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, मैं अपने आप तेरी बाँह फड़ के अपने नाल मिला लवांगा। ये परमात्मा का हुक्म है। सो सतसंग जी, परमात्मा ने सानू साड़ी रूह में इस मात लोक के उत्ते भेज दिता, इस धर्मसाल दे विच किरत कर्म करने वास्ते, कर्म करने वास्ते, सच दे कर्म करने वास्ते, धर्म करने वास्ते और नाम सिमरन करने वास्ते परमात्मा ने साड़ी रूह में इत्थे भेज दिता है। अपनी जोत तो वख करके साड़ी रूह में ये रहन दा अस्थान दे के, काया जिहड़ी है, साडा शरीर जिहड़ा है, साडा पिंड जिहड़ा है, ये रहन दा अस्थान दे के, नाम सिमरन करन दा पूर्ण साधन दे के, और सानू ये अवस्था पूर्ण व्यवस्था पूर्ण करके कि तेरी रोजी रोटी जिहड़ी है वह मैं आपे भेजांगा। तू परम पिता परमात्मा दा मेरा नाम सिमरन करना है, और मेरा जद नाम सिमरन करेगा, मैं तेरे इस कर्म दे उत्ते खुश होकर तैनू बाँह फड़ के अपनी जोत दे विच अभेद कर लवांगा, अपने नाल मिला लवांगा। हुण साध संगत जी, गल इह है भी असीं इह जरूर चाहुंदे हां कि सानू परम पिता परमात्मा दे दरसदारे होण, सानू परम पिता परमात्मा नाल मिलन होवे, पर होवे किवें, की साधन है, की रस्ता है, की सच है, ये सानू हाले किसी भी रूह नूं बहुत घट लोग रूहां नूं पता है। जिन्ना चिर गुरु दी असी शरण दे विच ना जाइए, जिन्ना चिर असी सतगुरु दी शरण दे विच ना जाइए, उन्ना चिर सानू ये ज्ञान दी प्राप्ति नहीं हुंदी कि सच दा मार्ग जिहड़ा है वह किहड़ा है। हुण असल च गल ये है कि संसार दे विच हर बंदा आपो अपने रस्ते चलिया होया है, आपो अपने मार्ग ते चल के आपो अपने नाम सिमरन कर रहा है, अपने अपनियां मिलन दियां व्यवस्था बना रखियां हन। हर बंदे ने आपो अपना एक रस्ता चुन रख्या है, पर असल दे विच सानू ये नहीं पता केड़ा रस्ता जिहड़ा है वह परम पिता परमात्मा नूं मिलाउण वाला है। पर साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये विचारधारा सानू दसी है कि असी किस तरह नाम सिमरन करना है, और नाम केड़ा जिहड़ा है जिहड़ा कि सानू परम पिता परमात्मा दे नाल मिला देवेगा। हुण गुरु साहिब परम पिता परमात्मा दे कोल साहिब श्री गुरु नानक देव जी आप सचखंड दे विच हाजिर होए, और परम पिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी नूं अमृत का प्याला दिता, और वह अमृत का प्याला छका के गुरु नानक देव जी नूं सारियां शक्तियां दी बख्शिश दे के सर्वशक्तिमान करके इस संसार दे उत्ते परमात्मा का नाम सिमरन कराउण वास्ते परमात्मा ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं ये हुक्म ला दिता
कि इस दा भाई जप कराओ। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने आके सानू जप कराया, पर फिर भी असी भुल जाने कि केड़ा जप जेड़ा है वह सही रस्ता है, केड़ा नाम जेड़ा है वह सही रस्ता है कि जिस दे नाल सानू परम पिता परमात्मा के दर्शदारे हो जाए, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। की अवस्था है जिहड़ी साडी ए नाम सिमरन करिया अगे चल के अगे दी अगे अगे असी परम पिता परमात्मा गुरु साहब कहिंदे ने ए तरा पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गला आकाश की कीटा आई राय। सानू ये रीस तो आउंदी है और गुरु साहब ने सानू भेद भी दसे हुए है कि भाई इन अवस्था दे विच जदों तू नाम सिमरन करेगा इन अवस्था दे विचों गुजरेगा। जपजी साहब दे विच सानू ये दसिया होया गुरु साहब कहिंदे है धर्म खंड का एहो धर्म। सब तो पहला धर्मखंड दे विच जदों बंदा परमात्मा ने मिलन की जिग्यासा रखता है तो धर्मखंड दे विच पहुँचता है, उस तो बाद नाम सिमरन करता होया ये ज्ञान खंड दे विच पहुँचता है, उस तो बाद जिहड़ा है ये शर्म खंड दे विच पहुँचता है, और उस तो बाद जिहड़ा ये कर्म खंड दे विच पहुँचता है, और उस तो बाद जिहड़ा है ये सच खंड भाव परम पिता परमात्मा के महल दे विच परमात्मा के आसन के उत्ते विराजमान होकर परम पिता परमात्मा के दर्शदारे करता है, और संसार दे विच रह के भी इस नूं परम पिता परमात्मा दे दर्शदारे हुंदे रहिंदे हैं। हुण साहिब श्री गुरु नानक देव जी नाम लियांदा किहड़ा ये हाले भी कई लोगों सानू पता ही नहीं। असी रोज़ पढ़ते हैं जपजी साहब दे विच, असी सो रोज़ गुरु ग्रंथ साहब की शरण दे विच बैठ के इस नाम का सिमरन भी करते हैं, पर सानू ये नहीं पता कि ये नाम जिहड़ा है तारणहारा है। गुरु साहब ने कहा है परमात्मा तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं एक गुरमंत्र मिलिया, मूर मंत्र मिलिया, जिस दे सदका जिहड़ा भी जीव इस दा सिमरन करदा है उस दा कल्याण हो जांदा है, उस नूं परम पिता परमात्मा दे दर्शदारे हो जांदे आ, उस नूं परम पिता परमात्मा दी जोत दा मिलन हो जांदा। गुरु साहब ने यह परम पिता परमात्मा ने परमेश्वर पार ब्रह्म गुर परमेश्वर है जो उसने साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं ये नाम बख्शिया और सिमरन कराया और अगे सिमरन करन दा आदेश दिता। और ये नाम है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अयूनी सैभं गुर प्रसाद। ये नाम जिहड़ा गुरु प्रसाद रूप दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं दिता और आदेश दिता कि संसार दे लोकां नूं जाके जपाओ, इस दे नाल जिहड़ा लोकां दा कल्याण हो जाएगा, लोक रूह जिहड़ी है वो ये नाम सिमरन करदी हुई मेरे विच अभेद हो जाएगी, मेरे दर्शन कर लेगी, और उस रूह का जिहड़ा आवागमन है वह कट्टिया जाएगा, 84 लाख जूनियां का भोग जिहड़ा है वह कट्टिया जाएगा, और वह रूह मेरे आसन के उत्ते अमर होकर विराजमान होएगी। तो साध संगत जी असी हाले भुलेखियां दे विच फिर फिरदे हैं, किहड़ा नाम है जिहड़ा सानू परम पिता परमात्मा दे नाल मिला सकता है। हुण जदों असी पंज प्यारियां दे कोलों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह बख्शिश सानू दित्ती हुई है कि पंज प्यारियां तो अमर छक के भाई तुसीं गुरु वाले बन जाओगे, तो पंज प्यारे सानू जिहड़ा किहड़ा नाम दसदे है साध संगत जी, सब तो पहला वह कहिंदे आ कि वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ये नाम है ये बीज मंत्र नाम है, यानी सब तो छोटा बीज रूप है जिहड़ा कि फल ज़्यादा है, और बीज जिहड़ा है जदों ये पैदा हुंदा है पैदाइश हो के वड्डा हुंदा और वड्डा हो के ये फलदार बूटा बन जाता, और उस जिस बीज दे विच्चों ये बूटा पैदा होया उस ही बूटे दे उत्ते ये बीज वाले फल जिहड़े है वो लगने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह के नाल जिहड़ा है ये सफला गिणिया जाता है। तो साध संगत जी वाहिगुरु नाम सिमरन करिया जिहड़ा भी बंदा करेगा वह वाहिगुरु दे समान वाहिगुरु जिहा वाहिगुरु दा रूप ही हो जाता है, जिवें बीज बीज तो बीज हो जाता है, इस तरह ये वाहिगुरु नाम सिमरन करिया भी रूह जिहड़ी है साडी वह वाहिगुरु रूप हो जाती है। पर अमूमन असी ये देखते हाँ कि पंज प्यारे जदों सानू
नाम बख्शते हैं उदो ये भी कहेंदे भाई एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ नरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इतों तकर भी गुरमंत्र कहा जाता है और ये गुरमंत्र भी जिहड़ा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा इस संसार के लोगों नाम अमृत बख्शिश किया गया है। नाम इस नूं भी नाम कहा जाता है, ये भी नाम है। इस दे सिमरन करिया भी परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस तो बाद सतसंग जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी गुरबाणी नूं जदों असीं पढ़ीए विचारीए अमल करिए मन लईए उदों ये सारी दी सारी गुरबाणी भी जिहड़ी है नाम दा रूप हो के साडा दिंदी है। बाणी गुरु वाह वाह बाणी निरंकार है, बाणी ही गुरु है, परमपिता परमात्मा ही बाणी है, नाम ही बाणी है, अनहद धुन ही बाणी है, शब्द ही बाणी है, शब्द ही नाम है, अनहद धुन ही नाम है, गुरबाणी ही नाम है। ये इस तरह के नाल सानू पंज प्यारियां ने यह बख्शिश की हुई है कि भाई तुसी इन्हां चो जो भी नाम तुहानू सुखाला लगे उस दा सिमरन कर सकते हो समय समय मुताबक मौके सिर जिहड़ा भी सिम नाम सिमरन तुसी करो उस दा ही फल तुहानू मिलेगा। उस दा ही फल ये होएगा कि तुहाडा कल्याण हो जाएगा, तुसी परम पिता परमात्मा दे दरसदारे कर लोगे, तुसी परम पिता परमात्मा दे नाल जोत दे विच जोत भेद हो जाएगी। ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाणा, साडी जोत जिहड़ी आ उस जोत दे विच समा जाएगी। ये हुण अमूमन असी जदों ये सिमरन करन बैठते हैं तो सब तो सौखा सानू ये लगता है वाहिगुरू नाम, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। हुण इहदे च भी एक भेद है कि जिन्ना चिर असी पंज प्यारियां तो अमृत की बख्शिश अमृत की दात प्राप्त करके नाम अमृत की प्राप्ति नहीं की है, पंज चिट्टे चूले मतलब प्राप्त नहीं किए हैं अमृत के, पंज चूले पीते नहीं है अमृत दे, उन्ना चिर ये वाहिगुरू नाम भी अगर तुसी कही जाओगे ना तो ये उन्ना सफल नहीं होएगा कि तुहानू परम पिता परमात्मा का मिलन हो जाए, परम पिता परमात्मा के दरसदारे हो जाए। ठीक है कि ये वाहिगुरू नाम सिमरन करिया अगे वास्ते तुहाडे मन ते तुहाडे तन ते मैल नहीं लगेगी, पर इहदा फल उन्ना नहीं होएगा जिन्ना गुरु तो लैके वाहिगुरू नाम का सिमरन किया जाता है। इहदे च ये भेद है। अच्छा, बहुत संगतां ये सिमरन कर दी है सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। सतसंग जी ये सतनाम जिहड़ा है वाहगुरु तां नाम सिमरन है, पर सतनाम वाहे गुरु इस दा मतलब की बन जाता है कि वाहगुरु नाम जिहड़ा है वह सच्चा नाम है, इसका अर्थ ये है। ते पर जदों असी परमात्मा की प्राप्ति करने वास्ते नाम सिमरन करना है ना उदो सानू कला वाहगुरु वाहगुरु नूं आवाज़ मारनी पैनी है, ना कि असी ये कहना कि सतनाम वाहगुरु सच्चा है सतनाम वाहगुरु सच्चा है, या एक ओंकार मूल मंत्र दे विच जो है एक ओंकार जिहड़ा है वह सतनाम है ये कहा गया है। असल दे विच जदों असी नाम सिमरन की अवस्था के आना है, परमात्मा नूं प्राप्त करन की अवस्था के आना है, परमात्मा के दरसदारे करन की अवस्था के आना है, उदों सानू सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरु नाम जिहड़ा है वह कला सिमरन करना, उस दे नाल वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु या हे वाहिगुरु हे मतलब इस तरह दिया जो होर लगा मात्रा तुसी लाओगे ना वह सफल नहीं है नाम सिमरन, वह नाम दे विच नहीं आता गा, वो एक सिफत सलाह दे विच आ जाता है। पर जो असी नाम सिमरन करना है तो सिर्फ वाह पंज प्यारियां वालों सानू ये बख्शिश की जाती है कि वाहगुरु नाम सिमरन है, वाहगुरु सिमरन नाम है, वाहगुरु नाम का सिमरन करो। इस तरह के नाल असी सिमरन करना है वाहगुरु वाहगुरु वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮੂਮਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋ ਹਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਐਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਵਨ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਵਨ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਹੱਦ ਧੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਹਾ ਧੁਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਵਨ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿ 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 ਵਾਹਿ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਧੁਨੀ ਤਿੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ, ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਟ ਕਰੇ ਔਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਟ ਨਾਲ ਉੱਖੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਟੂ ਬਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੰਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਲ ਪੱਟ ਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ,
रूह ही मन है, मन ही रूह है। जो समझ आ जाए तो उदों इन्हां दोनों का मेल इक्को ही है। वैसे मन साडे भावां नूं प्रगट करता है, साडी अवस्था नूं प्रगट करता है, पर रूह ते मन का संबंध आपस दे विच जरूर है। इस तरह के नाल रूह साडी जदों निर्मल हो जाती है उदों सानूं परम पिता परमात्मा साडे अंदर दसवें द्वार दे विच निज घर दे विच वासा है, जिथे जिसनों असीं दसवां द्वार कहिंदे आ, उत्थों निकल के साडे हिरदे दे विच आ जांदा सतगुरु की कृपा, सतगुरु के नाम की सिमरन की कृपा दे नाल। इह परम पिता परमात्मा जिहड़ा ना वाहिगुरु जिहड़ा है वह दसवें द्वार चों निकल के गुफा दे विचों निकल के जिसनों असीं निज घर भी कहने हैं, जिसनों असी गुफा भी कहने हैं, जिसनों असी दसवां द्वार भी कहने हैं, जिसनों असी सचखंड भी कहने हैं, उत्थों निकल के साडे हिरदे दे विच आ के विराजमान हो जाता और हिरदे दे विचों साडे सारे कर्म जिहड़े है, साडी सारी ही जीवन की शैली जिहड़ी है वह आप चलाउणी शुरू कर दिंदा, क्योंकि असी गुरु की समर्पित हो जाने, गुरु की मत नूं मनना शुरू कर दिंदे, परमात्मा नूं असी मन लैने। तो गुरु साहब यही कहिंदे कि मन्ने की गत कही ना जाए। गुरु साहब ने जपजी साहब दे विच भी यह गल समझाई हुई है, सुनिया मनिया मन कीता पाओ। उस तो पहला सानू अवस्था दिती है, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। असी इस वाहिगुरु नाम सिमरन नू जो गाउणा है ना, मुख दे नाल बोलना है, जीवा दे नाल बोलना है, वाहिगुरु 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 कहना है, तो साडे कन्न भी इस आवाज़ नू सुरती जोड़ के साडे कन्नां दे विच ये आवाज़ पवे, ये आवाज़ सुन, तो ये कन्नां दे विचों दी हो के ये वाहिगुरु नाम की जिहड़ी आवाज़ है, ये धुनी जिहड़ी है, ये धुनी दे उत्ते पवे, तो उत्थों फिर साडे ये दसवें द्वार दे उत्ते जिहड़ा है इहदा सीधा मतलब जिहड़ा है इंप्रैशन जिहड़ा है वह पैंदा है। तो इस तरह के नाल साडा जिहड़ा मन है वह निर्मल हो जाता और सतगुरु जिहड़ा बांह फड़ के साडी रूह नूं बांह फड़ के अपने चरणां दे विच जोड़ लैंदे आ, बांह फड़ के अपना दर्श दारा भी दिखा देंदे आ, बांह फड़ के अपने महल दे विच भी आसन दे देंदे आ। ये गुरु परम पिता परमात्मा की कृपा हुंदी है। इस करके साध संगत जी आप जी नूं ये दसना चाहुंदे आ कि भाई सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जदों असीं कहिंदे आ ना, ये सिमरन नहीं है, ये सिर्फ ये समझाया जाता है कि भाई वाहिगुरु नाम जिहड़ा है वह सच्चा नाम है। जिवें एक ओंकार सतनाम समझाया जाता ना, एक ओंकार जिहड़ा वह सच्चा नाम है, इस तरह ही ये सतनाम वाहिगुरु ये समझाया जाता कि वाहिगुरु भाई सच्चा नाम है, वाहिगुरु नूं जपो, सिमरन करो, सच्चे नाम का सिमरन करो। तो फिर इस तरह के नाल जो असी वाहिगुरु का सिमरन करते हैं ना, तो फिर साडा मन जिहड़ा साडी रूह जिहड़ी है वह निर्मल हो जाती है, और रूह जो निर्मल हो जाती है ये सेम शुद्ध शुद्ध रूप हो के शुद्ध जोत रूप हो के जो परम पिता परमात्मा की जोत स्वरूप है उस दा स्वरूप हो के उस दे नाल मिलन कर रही है। क्योंकि पानी दे विच पानी मिलाया जाए तो पानी पानी दे विच तां मिल सकता है, दुध दे विच दुध मिलाया जाए मिल सकता है, घ्यो दे विच घ्यो मिलाया जाए मिल सकता है, पर जे कि घ्यो दे विच कंकर मिला दिते जां, दुध दे विच कंकूड़ा मिला दिता जाए तो वह कदे नहीं मिलता भाई। इस करके साडी रूह जिहड़ी है जदों निर्मल हो जाती है उदों उस निर्मल जोत परमात्मा दी दे विच मिल जाती है, जिन्ना चिर निर्मल नहीं हुंदी उन्ना चिर परम पिता परमात्मा दी सानू प्राप्ति नहीं हुंदी और आनंद दी प्राप्ति भी नहीं हुंदी। गुरु साहब कहिंदे है आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहि सेती मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां, शब्द सब तक गावो हरी केरा मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। उदो सतगुरु परम पिता परमात्मा की जो आह धुन साडे वजदी है उदो आनंद आउंदा है और आनंद दे नाल ही परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहब ने 40वीं पौड़ी दे विच भी इस सारी व्यवस्था का भेद अखीरली पौड़ी जाके खोलिया कि आनंद सुनो, आनंद का मतलब अनहद, अनहद सुनो। गुरु साहब कहिंदे आ आनंद सुनो वडभागीओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया। जदों तुहाडे अनहद वजनी शुरू हो जाती है, बेसुरे जिहड़े हुंदे आ सुर दूर चले जाते हैं, विषय विकार दूर चले जाते और सतगुरु परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहब कहिंदे आनंद सुनो वडभागीओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सारे
विषय विकार जिहड़े हुंदे आ उह परमा मन तो रूह तो दूर हो जाते हैं और रूह निर्मल हो जाती है। इस तरह के नाल गुरु साहब कहिंदे आ पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे साढ़े दुख रोग कट्टे जाते हैं। सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी, सच्ची बाणी भाव आना धुन जो साढ़े कन्नां दे विच दसवें द्वार तो वजदी है और कन्न दे विच सुनी जाती है और उदों साढ़े सारे जिहड़े है दुख कलेश कट्टे जाते हैं। संत साजन भय सरसे उदों जब नाम जपन वाला संत पुरश और साजन भाव परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जिहड़ा है दोनों एक रस हो जाते हैं भाव आपस में रस दे विच परमात्मा दे रस दा भगती दी रस दा संत दे रस दा जो प्राप्त हुंदा अनहत धुन दा उहदा अमृत जिहड़ा है वह परमात्मा दे अमृत द्वारा मतलब आपस विच दी मिलन कर लैंदे एक रस हो जाते हैं। दोनों रस जिहड़े है परमात्मा दा अमृत रस और संत दे अंदर जो पैदा हुंदा है वह भी रस अमृत रस हुंदा है वह भी मिलन एक रस हो जाते हैं। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जाणी फिर यह परमात्मा दा स्वरूप हो जाते हैं। पूरे गुण ते जाणी सुनते पुनीत इस अनहत धुन नूं सुनन वाले जिहड़े पुनीत हो जाते हैं। कहते पवित्त कहण वाले जिहड़े पवित्त हुंदे है पुनीत हुंदे आ जिहड़े ओह बहुत उच्चे सुचे हो जाते हैं भाव तीन वारी पवित्त पवित्त करन नूं जिहड़ा है पुनीत कहा जाता है। सुनते पुनीत कहते पवित्त सतगुर रहा भरपूरे उन्हां दे पूर्व परम पिता परमात्मा की सतगुरु की भरपूर रूप दे विच हाजरी प्रगट हुंदी है। बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अणहत धूरे सच्चे पातशाह भाई सानू यह समझाउंदे आ कि जे अगर तुसीं इस तरह नाल परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो तुसीं बिनवंत हो के गुरचरण लागो गुरु के चरणों के नाम की प्राप्ति करके नाम सिमरन करो नाम सिमरन करके गुरु के दसे हुए मार्ग से चल के गुरु दियां विधियां के मुताबक परम पिता परमात्मा की सानू प्राप्ति हो जाती है सानू दर्श दारे हो जाते हैं। इस तरह के नाल गुरु साहब ने सानू यह समझाया हो भाई गाविए सुनिए मन रखिए भाओ भाई नाम सिमरन करो गाओ उन्हूं कन्नां द्वारा सुनो और मन के परमात्मा के प्रति जिहड़ा है पूर्ण रूप के प्यार रखो विश्वास रखो। फिर अगे गुरु साहब कहिंदे आ कि सुनिया तुसीं कन्नां द्वारा सुनिया बन्निया मन कीता पाओ उसनूं मन लो कि परम पिता परमात्मा सर्व कला समर्थ है करन कारण समर्थ है परम पिता परमात्मा सर्व शक्तियां दा मालक है सर्व दुखां कलेशां रोगां कष्टां दा नाश करन वाला है सब सुखां दी प्राप्ति खुशियां दी प्राप्ति देन वाला सब दातां दी प्राप्ति देन वाला परम पिता परमात्मा इस गल नूं मन लो और परमात्मा ते दृढ़ निश्चय करके प्यार करके विश्वास करके परमात्मा नूं मन लो और परमात्मा दा नाम सिमरन करदे रहो और परमात्मा तुहानूं बांह फड़ के अपने आप ही तुहाडी जोत नूं तुहाडी रूह नूं अपने आसन ते लिजा के अपने सचखंड दे आसन ते लिजा के बिठा देगा और उत्थे हर रोगों तुहानूं परम पिता परमात्मा दे दर्श दारे होणगे। तो सतसंग जी इस तरह दे नाल मैं फिर मुड़ के कहना चाहुंदा भाई जिहड़ा नाम सिमरन कीता जांदा है वह वाहिगुरू 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 बोल के किया जाता है। सिर्फ कला वाहिगुरू है वो नाल होर कोई अर्थ नहीं कोई शब्द नहीं लाना कला वाहिगुरू और वाहिगुरू का भी नियम यह है कि वाहे जड़ा है ताज़ी हवा साढ़े अंदर नू जावे वाहिगुरू के नाल और वाहिगुरू के नाल जो ये अंदर नू जाएगी तो पवन गुरु है साडा तो पवन गुरु जड़ा है साढ़े मैलों कट के ते साडी रूह नूं निर्मल कर दिंदा साडे मन नूं निर्मल कर दिंदा और गुरु जिहड़ा जदों असीं बाहर धुनी दे उत्तों दी होके आवाज़ जिहड़ी है ओह मुख द्वारा साडे बाहर निकल जांदी है और पापां दी मैल जिहड़ी है सारी साडे शरीर चों बाहर निकल के रूह साडी जिहड़ी निर्मल हो जांदी है और परमात्मा की प्राप्ति हो जांदी। कबीर साहब ने भी सानूं अखीर सिरे की गल यही दसी है कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। फिर इस तरह की अवस्था जो तुहाडी बन गई भाई तुहानू भी परम पिता परमात्मा आवाजा मारेगा तुहानू लभदा फिरेगा मेरा गुरसिख किथे है मेरा भगत प्यारा किथे है मेरा सेवक किथे है और बांह फड़ के तुहानू अपने आसन के उत्ते लिजा के सचखंड के द्वारे के उत्ते आसन देवेगा और उत्थे उत परम पिता परमात्मा दी हर रोज़ तुसीं दर्श दारे करोगे परमात्मा की शरण के बैठ के परमात्मा का नाम सिमरन करते रहोगे परमात्मा तुहानू अपने दर्श दारे बख्शिश करेगा और अपन खुशियां देगा। इस तरह के नाल परम पिता परमात्मा नाल साडा रूह का मिलन भी हो जाता है अभेद भी हो जाती है साडी रूह मिलन जोत दे विच जोत मिल जाती है अभेद हो जाती है। तो सतसंग जी इन विचार करते हुए अरदास क्षमा का जाचक है और विचार फिर याद रखना भाई वाहिगुरू कला नाम सिमरन करिया ही परमात्मा की प्राप्ति होंगी है बाकी होर कोई तुसी शब्द नाल लाओगे वो सिफत सलाह जरूर बन जाती है पर नाम सिमरन नहीं रहिंदा
ਤੋ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਕਿਆ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲਓ ਹੇਕ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਲਓ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਓ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਾ ਕੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਵਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਸੱਚ ਔਰ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇਗਾ ਤੋ ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਏ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਆ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸੇਵ ਕਰੋ ਆਪ